Hello everyone, welcome you all on Conceptual Economics. Today we are going to learn stock concept and flow concept. Generally जब भी हम stock की बात करते हैं तो हमारे mind में एक picture बनती है कि कहीं पर goods store करके रखी हुई है, लेकिन जब हम economics में इसकी बात करते हैं तो economics में stock concept की हम बात करते हैं, क्योंकि stock concept में कई सारे economic variables को include किया जाता है. ऐसे ही flow variables होते हैं जिसमें कई सारे economic variables को इंक्लूड किया जाता है. तो इनको कैसे कैटेगराइज किया जाता है देखते हैं. डियर फ्रेंड्स, यहां पर आपको काफी हेल्प मिलने वाली है पूरे एंटायर सिलेबस को कवर करने में, सारे इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट को समझने में. तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि नई वीडियो की अपडेट्स आपको. वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था कि इन स्टॉक कॉन्सेप्ट में हम कई सारे इकोनॉमिक वेरिएबल को इंक्लूड करते हैं. तो कैसे फाइंड करते हैं हम ये सारी चीज़ों को, आप देख सकते हैं स्टॉक कॉन्सेप्ट क्या है, क्या क्या चीज़ें हम इसमें इंक्लूड करते हैं. फर्स्ट, स्टॉक्स आर दोज वेरिएबल विच आर मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम और डेट. यहाँ पे दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम और डेट. दो चीज़ें होनी चाहिए या दोनों में से एक चीज़ होनी चाहिए, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम या डेट. कैसे, अगर हम नीचे एग्जांपल्स को देखें तो आसानी से ये समझ में आ जाएगा. आप देखो, वेल्थ की हम बात करते हैं. वेल्थ क्या होती है, हमारे पास जो टोटल एसेट्स रखी हुई हैं. तो हम इसको कब पता करते हैं, या तो जब ईयर स्टार्ट होता है, मीन्स एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर तब हम इसको मेजर करते हैं, या फिर एट द एंड ऑफ द ईयर. तो कब मेजर कर रहे हैं, या तो हम 31 दिसंबर की बात करते हैं या फाइनेंशियल ईयर एंड की बात करते हैं तो 31 मार्च की बात करते हैं. तो यहाँ पे क्या मेंशन होगी, डेट मेंशन होगी. अगर आप देखेंगे सारी जगह आपको एग्जांपल मिलता है स्टॉक कॉन्सेप्ट का, बुक्स में या कहीं भी आप देखते हैं, तो वहाँ पर कहते हैं वाटर इन ओवरहेड टैंक. तो इसको आप कैसे समझ सकते हैं इस एग्जाम्पल की हेल्प से, टैंक में पानी भरा है, आपने उसको मेज़र किया, आप सुबह उठे 6 o'clock, आप गए, आपने टैंक में देखा, आपके टैंक में जो 1000 लीटर का टैंक है उस टैंक में टैंक फुल भरा है, 1000 लीटर भरा है. आपने उसको कब मेज़र किया, मॉर्निंग 6 o'clock. तो हो गया मेंशन पॉइंट ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम 6 o'clock. या आप शाम को देखते हैं 7 o'clock, 8 o'clock, कभी भी आप देखते हैं तो वहाँ पर क्या मेंशन हो गया, पॉइंट ऑफ टाइम. तो जब पॉइंट ऑफ टाइम मेंशन हो या डेट मेंशन हो तो वो सारे इकोनॉमिक जो वेरिएबल्स हैं जो नीचे एग्जांपल में दिए हुए हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, स्टॉक. कैसे आइडेंटिफाई करना है, या तो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम दिया हो, कोई टाइम पॉइंट दिया हो आपको, या फिर क्या दी हो, अ पर्टिकुलर डेट. तो वो सारे कॉन्सेप्ट हो जाएंगे स्टॉक कॉन्सेप्ट. अब देखें, वेल्थ का मैंने बता दिया, एसेट्स को हम देखते हैं बिगनिंग ऑफ द ईयर में या फिर एट द एंड ऑफ द ईयर. कैपिटल, कैपिटल से आप समझिए, कैपिटल कोई कंपनी कोई फर्म है वो अपने कैपिटल को कब मेजर करती है, कॉमर्स वाले अच्छे से जानते हैं, जब बैलेंस शीट बनती है. और बैलेंस शीट कब बनती है, जब ईयर एंड होता है. तो इट मीन्स ईयर एंड कोई पर्टिकुलर डेट है, 31 दिसंबर की बात करते हैं या फिर फाइनेंशियल एंड 31 मार्च की. तो कैपिटल भी क्या है, स्टॉक कॉन्सेप्ट. टोटल अमाउंट इन बैंक अकाउंट, ये कैसे है स्टॉक कॉन्सेप्ट. आप बैंक गए, अपनी पासबुक लेके गए, आपने उसमें एंट्री की, तो जिस आपने एक पर्टिकुलर डेट पर एंट्री की तो उसमें जितनी अमाउंट आपकी ऑलरेडी बैंक अकाउंट में जमा है, टोटल अमाउंट जो डिपॉजिट है आपके बैंक अकाउंट में, आपने उसको कब चेक किया, एक पर्टिकुलर डेट पे. तो पर्टिकुलर डेट पर्टिकुलर टाइम मेंशन हो गया, तो वो हो गया स्टॉक कॉन्सेप्ट. मनी सप्लाई, मनी सप्लाई हम आगे भी मनी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. मनी सप्लाई क्या होता है, इसको RBI मेजर करता है ये देखने के लिए कि पूरी इकोनॉमी में कितनी करेंसी सर्कुलेट है, कितना लोगों के पास पैसा है. तो इसको RBI एक पर्टिकुलर डेट पे चेक करता है, क्योंकि RBI क्या है, पूरा सुपरवाइज करता है पूरे इकोनॉमी को, इन्फ्लेशन कंट्रोल करता है. तो उसके लिए ये जानना ज़रूरी होता है कि सर्कुलेशन में मनी कितना है. तो इसको जानने के लिए वो क्या करता है, किसी एक डेट पे इसको
मेजर करता है, तो एक डेट पे मेजर करता है, तो क्या हो गया, मनी सप्लाई स्टॉक कॉन्सेप्ट। पब्लिक डेब्ट गवर्नमेंट बजट में भी हम इस पर बात करेंगे, डेफिसिट डिमांड एक्सेस डिमांड में भी इस टॉपिक पर हम बात करेंगे। तो पब्लिक डेब्ट क्या होता है कि जनरली गवर्नमेंट को जब पैसे की ज़रूरत होती है वो जब पब्लिक से लोन लेता है, बोरो करता है पब्लिक से। किस तरीके से बोरो करता है, पब्लिक को वो जनरली बॉन्ड इशू करता है, डिपॉजिट सर्टिफिकेट इशू करता है, तो ये सारे क्या हो जाते हैं, गवर्नमेंट के पास पैसा चला जाता है और पब्लिक के पास आ जाते हैं सर्टिफिकेट। अब हम बात करते हैं फ्लो कॉन्सेप्ट की, कैसे फ्लो कॉन्सेप्ट को हम मेजर करते हैं। तो फ्लो आर दोज वेरिएबल्स, दोज इकोनॉमिक वेरिएबल्स विच आर मेजर्ड विद इन अ टाइम पीरियड। वहाँ पे क्या था, एक डेट थी, एक पॉइंट ऑफ टाइम था, यहाँ पे क्या आ गया, टाइम पीरियड इन्वॉल्व हो गया। अब देखो जो वाटर इन अ ओवर अ टैंक की हम बात कर रहे थे, हमने सुबह उसमें देखा कितना पानी था, अब क्या हुआ, उसके बाद हमने टैप ऑन कर दिया तो पानी ड्रेन होके आया, हमने कुकिंग के लिए यूज़ किया, हमने पीने के लिए उसको यूज़ किया, नहाने के लिए यूज़ किया, तो जितना पानी ड्रेन होके आया तो हमने देखा 7 से 8 बजे के बीच में हमने 300 लीटर यूज़ कर लिया, तो कितना 300 लीटर पर आवर वो ड्रेन होके आ गया, तो इट मींस कितना, 1 घंटे के टाइम पीरियड में। तो टाइम पीरियड जब इन्वॉल्व हो जाता है तो वो सारे कॉन्सेप्ट हो जाते हैं फ्लो कॉन्सेप्ट। कैसे इन्वॉल्व करते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, टाइम पीरियड, जब टाइम पीरियड इन्वॉल्व हो जाता है, टाइम डायमेंशन इन्वॉल्व हो जाता है, पर आवर, पर डे, पर मंथ, इस तरीके से वो सारे कॉन्सेप्ट हो जाते हैं फ्लो कॉन्सेप्ट। एग्जांपल की हेल्प से पूरा क्लियर होने वाला है। वेजेस सैलरीज कैसे मिलती है, पर डे, पर वीक, पर मंथ या पर एनम या पर ईयर की हम बात करते हैं, तो आ गया ना पूरा पूरा ईयर टाइम पीरियड कौन सा आ गया है, पूरे ईयर का। प्रॉफिट एंड लॉसेस कब पता करते हैं, सिंपली जब कंपनी अपनी बैलेंस शीट बनाती हैं, अपने अकाउंट्स बनाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है पूरे साल के एंड में कि कंपनी को इतना प्रॉफिट हुआ या कंपनी को इतना लॉस हुआ। कुछ कंपनियाँ क्वार्टरली भी बनाती हैं, तो एक टाइम पीरियड क्वार्टरली कितना हो गया, टाइम पीरियड 3 मंथ का, तो टाइम पीरियड इन्वॉल्व हो गया, तो कॉन्सेप्ट क्या हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस का कॉन्सेप्ट, फ्लो कॉन्सेप्ट। डिपॉजिट एंड विड्रॉ, अभी हमने इससे पहले जब स्टॉक कॉन्सेप्ट की हम बात कर रहे थे तो हमने देखा था बैंक में हमने एक पर्टिकुलर डेट पर एंट्री कराई तो उस डेट पर कितना पैसा है वो स्टॉक कॉन्सेप्ट है। अब हमने क्या किया, उसे मंथ में इतने जमा किए, कुछ अमाउंट हमने डिपॉजिट किया और कुछ अमाउंट हमने विड्रॉ किया, तो डिपॉजिट और विड्रॉ ये क्या हो गए, फ्लोज के एग्जाम्पल हो गए, क्योंकि जमा कर रहे हैं और हम निकाल रहे हैं, एक टाइम पीरियड इन्वॉल्व हो रहा है, तो क्या हो गया, ये कॉन्सेप्ट फ्लो कॉन्सेप्ट। नेशनल इनकम NNPFC या GDP कब मेजर करते हैं, पूरे साल में इतनी इनकम जनरेट हुई, प्राइमरी सेक्टर से इतना आया, सेकेंडरी से इतना आया, टर्सरी से इतना आया, ऐड किया, कंपनसेशन एम्प्लॉयज इतना था, ऑपरेटिंग सरप्लस इतना था, मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड इतना है, तो पूरे साल इसको हम कैसे मेजर करते हैं, पूरे एक साल का देखते हैं, कंप्लीट ईयर का, तो क्या हो गया, ये पूरा टाइम पीरियड इन्वॉल्व हो गया, तो फ्लो कॉन्सेप्ट। इन्वेस्टमेंट हम देखते हैं साल में कितनी कैपिटल फॉर्म हुई है, चाहे वो फिक्स कैपिटल है या वर्किंग कैपिटल है, हम देखते हैं कितनी कैपिटल क्रिएट हुई है, तो कैपिटल फॉर्मेशन या कैपिटल क्रिएशन ही क्या है, इन्वेस्टमेंट। तो इनकम, नेशनल इनकम और इन्वेस्टमेंट, क्योंकि पूरे टाइम पीरियड इसमें इन्वॉल्व होता है, तो ये दोनों क्या हैं, फ्लो कॉन्सेप्ट। बजट डेफिसिट आ जाते हैं, बजट डेफिसिट आपने देखा होगा, सरकार बजट बनाती है उसमें बताती है कि हमारा फिस्कल डेफिसिट इतना है, हमारा रेवेन्यू डेफिसिट इतना है, तो कब का देखती है, पूरे फाइनेंशियल ईयर का, तो ये सारे क्या हो गए, फ्लो कॉन्सेप्ट। अगर आपको याद होगा, आपने पहले 11th में पढ़े होंगे, डिमांड और सप्लाई, डिमांड क्या होती है, विद इन अ गिवन टाइम पीरियड उसको मेजर किया जाता है, क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी विच अ कंज्यूमर इज विलिंग टू परचेज विद इन अ गिवन टाइम पीरियड एंड गिवन प्राइसेस, तो टाइम पीरियड इन्वॉल्व हो गया जहाँ पे, तो वो क्या हो गया, फ्लो। ऐसे सप्लाई भी क्या होती है, फ्लो कॉन्सेप्ट। ये सारे हमने एग्जाम्पल देख लिए, इनकी डेफिनेशन देख ली, तो जल्दी से हम इसको रिकैप्चुलेट भी कर लेते हैं और इसमें डिफ्रेंशिएट। स्टॉक कॉन्सेप्ट डेफिनेशन हमने देखी है, विच आर मेजर एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, स्टॉक हो गए, मेजर्ड विद इन अ टाइम पीरियड, फ्लो हो गया,
स्टॉक एक टाइम पे मेजर करते हैं, तो इसमें एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है या डेट होते हैं, तो इसमें टाइम पीरियड इन्वॉल्व नहीं होता, तो ये टाइम डायमेंशनल नहीं होंगे स्टॉक कॉन्सेप्ट। फ्लो कॉन्सेप्ट क्या होंगे? टाइम डायमेंशनल। अगर टाइम डायमेंशनल नहीं है तो अपने आप ही स्टॉक क्या होगे? स्टैटिक कॉन्सेप्ट। और टाइम पीरियड इन्वॉल्व हो गया तो ये क्या हो गया? डायनेमिक कॉन्सेप्ट। कौन से? फ्लो कॉन्सेप्ट। देखो एक एग्जांपल सिंपली लिखा है मैंने कैपिटल और इन्वेस्टमेंट का, आप पिछले स्लाइड में अगर आप देखेंगे तो कई सारे एग्जांपल मेंशन है, आप वहाँ से एग्जांपल लिख सकते हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। आपको वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें, अपनी क्वेरीज को, आपकी जो भी क्वेरीज हैं, आपके जो भी क्वेश्चन हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मैं कोशिश करूँगा आपकी सारी क्वेरीज को सॉल्व करने की।